कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खातिर बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल बाजारों में, लोकल मिलों में, साथ ही उत्तर प्रदेश में टैंकर्स में आज की कीमतों के बारे में जानेंगे। विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजार के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत के बारे में बात करते हैं। तो मुनाफा वसूली और अमेरिका में मौसम में सुधार के कारण सीबीओटी सोयाबीन गिरावट के साथ बंद हुआ, और साथ ही सीबीओटी सोया कॉम्प्लेक्स कल दबाव में देखा गया था क्योंकि अर्जेंटीना की सोया डॉलर योजना की आज घोषणा होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। साथ ही चीन के डालियान एक्सचेंज आज बंद है, और केएलसी जून अनुबंध को तकनीकी रेजिडेंस का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये 4000 के स्तर के करीब काफी पहुंच चुका है। और सीबीओटी सोया तेल में कल रात गिरावट को देखते हुए केएलसी में आज गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया है। तो विदेशी बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है, लेकिन घरेलू बाजारों में इसके बावजूद इसका बहुत ज्यादा असर आपको देखने को नहीं मिल सकता है। आज लोकल मिल की कीमतों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। प्रति लीटर कीमतों में लगभग 5 से लेकर 10 रुपए पर लीटर की तेजी के साथ कारोबार देखा जा सकते हैं। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो मई वनस्पति में 15 लीटर का रेट 1360 है। पामोलिन में 15 लीटर कीमतें 1500 रुपए चल रही है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 99.50 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा सोया ऑयल में 15 लीटर कीमतें 1640 है। 1 लीटर का रेट 108 चल रहा है। सोया ऑयल में फॉर्च्यून में 1850 रुपए पर आप 15 लीटर का रेट देख सकते हैं, और 1 लीटर फॉर्च्यून कीमतें 128 रुपए देखी जा रही है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड कीमतें 112 है। पामोलिन का रेट 101 चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो राइस ब्रांड कीमतें 98 रुपए चल रही है। सोया ऑयल का रेट 108 है। सोया ड्यू कीमतें बाजारों में 106 है। मस्टर्ड की कीमतें बाजारों में आप 113 देख सकते हैं। एक्सप्रेस कीमतें 111 चल रही है। पामोलिन में आप 100 रुपए का रेट बाजारों में देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में लोकल मिलों में बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी बाजारों की गिरावट का बहुत ज्यादा असर घरेलू बाजारों पर नहीं पड़ा है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन हमारी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपको कहीं निचला स्तर मिलता है, कहीं अगर हल्की सी गिरावट मिलती है तो उस जगह से आप गिरावट पर खरीदारी करके चलिए, लेकिन आप इसमें ऊपरी लेवल पर सतर्क जरूर रहिए और एक अच्छे लेवल को देखते हुए अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।